दो बॉल पानी, और इसको हम खोलेंगे और इसी के हिसाब से हम इसमें नमक डाल देंगे और एक छोटा मीडियम साइज़ का आलू है उसको हमने ग्रेट कर लिया है उसको मिला देंगे और इसमें हम ऑरिगेनो डालेंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हम मेथी के पत्ते डालेंगे और इन सबों को अच्छे से हम खोलने देंगे। कम से कम इसको हम जब खोलने लगेगा तो 2 मिनट तक इसको हम खोलेंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल, इन सबों को अच्छे से हम खोलने देंगे। ये देखिए अब अच्छे से खोल गए, इसको हम और खोलने देंगे कम से कम 2 मिनट जितना हम इसको खोलने देंगे। ये अच्छे से खोल रहे, इसमें हमने एक जिस बर्तन से नापा था पानी उसी बर्तन से 1 कप सूजी भी हम डाल देंगे और साथ ही साथ में हमने ब्रेड के टुकड़े रखे हैं उसको भी डाल देंगे। ये सब हम इसमें अच्छे से मैश कर लेंगे और आंच कम कर देंगे, धीरे धीरे हम इसको हिलाते जाएंगे। ऐसे सूखता जाएगा, इसको अच्छे से हम मैश करते जाएंगे और साइड देखिए ऐसे करेंगे और हमें सूखा लगेगा तो हम थोड़ा सा गर्म पानी रखेंगे, हमें थोड़ा लग रहा है तो हम गर्म पानी आधा कटोरी और डाल देंगे और अच्छे से इस तरह से हम इसको सूखा लेंगे और लास्ट में कम से कम 1 चम्मच जितना हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे इसमें और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए पूरा कढ़ाई छोड़ देता है और इसको अब हम एक बर्तन में निकाल कर अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ये हमारा ठंडा हो गया, अब इसको हम अच्छे से हाथ में तेल लगा कर ऐसे इसको मसल लेंगे। और देखिए हमने ऐसे आकार में हाथ में छोटे छोटे लोई लेके रगड़ लिया है हाथ में और ऐसे बना लिया है लंबा और हल्का सा प्रेस कर दिया है। अब इसको हम कढ़ाई रख दिए तेल गर्म होने, जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें तलेंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे अभी हम हाई हीट पे ही रखे हैं। सब डालने के बाद फिर थोड़ी देर बाद इसको हम मीडियम कर लेंगे। अभी इसको हम छुएंगे नहीं, ऐसे ही पकने देंगे। दूसरा हम ऐसे भी इस पे चकले पे रख के ऐसे भी कर सकते हैं और आपको हम दूसरी तरह से भी सेक कर दिखाते हैं। तेल डाल देते हैं और ऐसे भी हम तवे से रख के इसको सेक सकते हैं। जैसे ये देखिए तवे पर भी हो रही है और इस तलने वाली हो गई है, अब इसको हम निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारी सेकने वाली भी तैयार हो गई तवा पे, इसको भी हम उतार लेते हैं। ये देखिए हमारा बनके तैयार हो गया है। एक तो हम केचप और हमने नारियल चटनी के साथ दिया है, केचप के साथ दिया है, आप जिसके साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ खाइए बहुत अच्छा लगता है। और एक हमने तल के बनाया और ये तवा पर सेका है, दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। आप दोनों ही टाइप से बनाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारी नई नई रेसिपी आपको मिले।